नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। बिहार के मोतिहारी से पीएफआई ट्रेनर और एनआईए के वांटेड उस्मान सुल्तान खान और याकूब को पटना एटीएस से मोतिहारी जिला पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में यमुना एक बार फिर से खतरे के निशान के पार बह रही है। सुबह 9 बजे जलस्तर 205.60 मीटर दर्ज हुआ। यमुना का खतरे का निशान 205.33 मीटर है। पुणे पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आतंकियों के नाम इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी है। दोनों आतंकी एनआईए के मध्य प्रदेश में एक केस के लिए वांटेड है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश हो रही है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 6 घंटे में 9.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 4 दिनों का अलर्ट जारी किया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के प्रमुख रहे सांसद बृजभूषण सिंह का मामला लगातार सुर्खियों में है। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में बृजभूषण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी। UPATS की टीम इस समय सीमा हैदर से पूछताछ में जुटी हुई है। लगातार दूसरे दिन को भी उससे ATS ने कुछ अहम सवाल जवाब किए, लेकिन सीमा का साफ साफ कहना है कि वो जासूस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में किरीट किसी महिला के साथ वीडियो चैट कर रहे हैं। इसमें वो आपत्तिजनक स्थिति में है। वीडियो आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। उधर किरीट सोमैया ने खुद सामने आकर इस मामले में सफाई दी और इस वीडियो को फर्जी बताया है। CM धामी ने अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रभावितों को रहने, खाने और अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धि हासिल हो सके। उत्तराखंड में प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केदारनाथ में अब सभी भक्तों के मोबाइल फोन पर बैन लगाया गया है। बाबा केदारनाथ के भक्त अब मंदिर के अंदर किसी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे। एक्टर सुनील शेट्टी ने हाल ही में टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर बयान दिया था, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। हालांकि सुनील शेट्टी ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है और उन्होंने किसानों से माफी मांगी है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर यूं लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ NBC News पर।